नमस्कार जोहार साथियों साथियों, आज हम इन दो पठ्यालों के बारे में बात करेंगे। इन्हें पठ्याल कहा जाता है हमारे जैसलमेर में। ये जैसलमेर शहर के पास ही एक पहाड़ी पर बनी हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। हम जब यहाँ बच्चों में आया करते थे, ये पूरी बनी हुई थी, अच्छी थी, सीढ़ियाँ भी सही थी, ये ऊपर भी अच्छा बना हुआ था। यहाँ जी ये झाड़ियाँ हो गई, ये भी नहीं थी, और ऊपर छत भी धीरे टूट गई है। तो आज हम इसी के लेकर बात करेंगे कि इसको एक संरक्षण की जरूरत है, सरकार की तरफ ध्यान दे। आज हम उन्हीं को आज चल के देखते हैं। आइए, ये पठ्याल लेना, ये देखो, ये सीढ़ियों से पत्थर गिरा है, यहाँ पर इसने फेंका है। ये बियर की बोतलें हैं, दारू की बोतलों के कांच के ढक्कन हैं। यहाँ पार्टी करने वाले दारू ये लोग ज़्यादा आते हैं, और थोड़ा ऊपर लो, ये है सीढ़ियाँ। सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर, और कितने अच्छे तरीके से बनाया था, मजबूती से बनाया गया था। ये पुराने समय में बनाई गई है, अभी तक भी अच्छी स्थिति में है। लोगों ने जानबूझ के इसको तोड़ा है, मस्ती करते रहते हैं। और आगे यहाँ देखो पत्थर की कैसे कटाई की गई है, यहाँ पर ये देखिए साथियों, कितनी खिड़कियां हैं, ये कितना हवादार बनाया गया था उस समय। ये देखो इतनी खिड़कियां हैं यहाँ से, ये मतलब कि ये देखो ऊपर, ये कितनी नक्काशी भी अच्छी की हुई उस समय, इतनी पत्थर में घड़ाई करके उस समय। यहाँ पर ये बिल्कुल ही वीरान जगह थी उस समय, आज भी वीरान है, पर उस समय के लिए तो बिल्कुल ही वीरान थी जब ये बनाया गया था। ये जो पास में ये भी बनी हुई है, इसमें भी चलेंगे, इसको भी देखेंगे। ये इतनी इसमें अच्छी नक्काशी भी की गई है, खिड़कियां रखी हुई है, यहाँ पर बैठने से अच्छी हवा आती है। और हम इसके पीछे ले चलते हैं, पीछे भी एक गेट है, ये आपको गेट दिख रहा है, ये इसके पीछे है। और ये सामने एक और भी पठ्या बनाई हुई, ये बड़ी थी कुछ साल पहले, ये पूरी बनी थी, अब इसको धीरे धीरे तोड़ दिया है। ऊपर से ऊपर एक और बिल्डिंग थी, उसको तोड़ दिया है, अब ये नीचे वाले ही रहे हैं। ये कुछ दिख रहे हैं, खंभे खड़े हैं, और ये भी कुछ समय बाद तोड़ दी जाएगी। ये इसी के पास एक सरोवर है, तालाब है, जो कि रेगिस्तान में था, इसलिए यहाँ पानी भी नहीं आता था। और पीछे टैंकी बन रही है, अब पीछे एक कॉलोनी भी कट गई है सरकार द्वारा, उसकी टैंकी बन रही है। और ये है इस पठ्याल का नज़ारा, यहाँ पूरी खिड़कियाँ हैं। ये आगे का दृश्य है, देखो कितना अच्छा दृश्य है, कितनी रोले हैं यहाँ पर, कितने गेट हैं, एक दो तो गेट हैं आमने सामने, बीच में भी देखो, यहाँ पर बैठ करके आराम से बैठ करके हवा अच्छे से ली जा सकती है यहाँ पर। और यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरे में नहीं, इसमें वीडियो में नहीं दिखाई देगा, पर वैसे यहाँ से किला साफ साफ जैसलमेर का दिखाई दे रहा है। और अब हम इस पठ्याल में चलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर तो ये तो इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसको ज़्यादा तोड़ दिया गया है। और ये थोड़ी बड़ी भी थी इससे, ये ऊपर, ये वाली ऊपर बनाई हुई थी और वो नीचे बनाई हुई है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जैसलमेर शहर के बिल्कुल पास ही है, एक पहाड़ी पर है, जो अब टूटने की कगार पर है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ये हमारी प्राचीन धरोहरें हैं, ये राजा महाराजाओं के समय की बनाई हुई है। साथियों, अब हम इस नीचे वाले पठ्याल में चलते हैं। ये बड़ी अच्छी पठ्याल थी, जब हम यहाँ पर छोटे थे, खेलने आते थे इस पहाड़ी पर, ये बहुत अच्छी बनी हुई थी। ये जो इधर दिख रही है, ये यहाँ पर पूरा बना हुआ था, ये गिर चुकी है या किसी ने गिरा दी है। और ये देखिए पूरे पत्थर टूट चुके हैं, ये देखो कितने अच्छे अच्छे पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, भारी भरकम पत्थर हैं, उनको गिरा दिया गया है। और कुछ काफ़ी पुरानी भी है, कुछ तो ऐसे भी गिर गए पत्थर। ये देखो उस समय के यहाँ बनाया हुआ था, यहाँ पर विश्राम के लिए राजा महाराजा या कुछ यहाँ आते थे राज परिवार से, वो यहाँ विश्राम किया करते थे। ये देखो साथियों, ये खंभे लगे हुए हैं, ये ऊपर का है, अभी क्या बरसात हुई हुई है तो थोड़ा नीचे भी कीचड़ है। यहाँ से है, ये ऊपर से थोड़ा चूने का भी यहाँ प्रयोग किया गया था,
जैसलमेर के किले में चूने का प्रयोग नहीं किया गया, वहाँ पर सूखी चुनाई थी। ये बनाते बनाते समय तक चूने का प्रयोग भी होने शुरू हो गया था, इसलिए इसमें थोड़ा चूने का प्रयोग हुआ है। यहाँ से खिड़की है, खिड़की उस तरफ भी चलेंगे। फिलहाल हम यहाँ से देखते हैं, ये देखो इसके पीछे भी ऐसे बना हुआ है, कितना सुंदर है। यहाँ पर बैठकर सभा भी की जा सकती है, कितना हवादार इलाका है, शांत बिल्कुल। यहाँ पर कोई रात्रि विश्राम करे, कुछ अपना माल वाल साथ लेके आया हो, बकरी या कोई धन वन कुछ, वो भी यहाँ रख के आराम से रात को विश्राम कर सकता था उस समय। ये एक रैन बसेरे की तरह ही था। और यहाँ से ये बना हुआ है, ये अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए ऊपर ये दीमक लग चुके हैं। अब ये क्या, ये दारू की बोतल है, ये देखो ऊपर। अब ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, थोड़े यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये है साथियों, तोड़ दी गई है, सरकार को इसको साफ सुथरा करना चाहिए, इसको पर्यटन स्थल की तरफ घोषित करना चाहिए। और ये साथियों देखो इसका कितना सुंदर दृश्य है, कितनी ऊंची और साफ सुथरी जगह पर बनाई गई थी। मौसम भी देखो कितना शांत इलाका था, पास में ही उस समय पानी के लिए तलाई भी बनाई गई थी, उस तलाई पे भी हम चलेंगे। ये जो पार दिख रही थोड़ी बहुत अब गायब हो रही है, ये पार ये तलाई की थी। ये यहाँ पर बबूल उग चुके हैं, ये पहले नहीं थे, बिल्कुल यहाँ साफ मैदान की तरह थे, अब ये बबूल झाड़ियाँ उग चुकी है। अब हम इस पठार में चलेंगे जो इन दोनों पठारों के पीछे बनी हुई थी, ये भी बड़ी थी, दो मंजिला थी, ऊपर वाली मंजिल गिर चुकी है, अब हम इसी की तरफ चलते हैं। साथियों ये है तढ़ाई, ये पुराने समय की बनाई थी, अब इसको गहरा कर दिया गया है, पास में कॉलोनी कट चुकी है, उसकी पानी की टैंकी भी बन गई है, ये गहरा कर दिया गया है। यहाँ से हम उतरते हैं थोड़ा, ये बरसाती पानी है पूरा, अभी श्रावण चल रहा है, अभी जैसलमेर में खूब बरसात हुई है, उसी का ये पानी है, नहीं तो इस तरह ही पानी देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि पास ही धूल ज़्यादा है। तो मैं भी कितने दिनों के बाद यहाँ पानी देख रहा हूँ। यहाँ से ये देखो दीवारें, इस तरह की उस समय की दीवारें बनाई गई है, पुराने समय की, इधर ये दीवार बनाई हुई है, ये इस तलाई की पाल है, और इसको गहरा करके अच्छा बनाया गया है ताकि इसमें पानी रुक सके, नहीं तो इसमें पानी रुकता नहीं था। अब हम चलते हैं उस टूटी फूटी पठार के पास। ये दो उधर थी पठारें, ये तीसरी पठार है, ये इसके ऊपर भी एक बिल्डिंग थी, ये दो मंजिला थी, इसकी ये नीचे वाली रह चुकी है, रह तो क्या चुकी है, ये भी टूट रही है, ऊपर ये पूरा अच्छा था और वो अब गिर चुका है, लोगों ने गिरा दिया, कुछ अपने आप गिर गया, टूट फूट हो चुकी है, अब ये नीचे ही कुछ रही है। अब हम नीचे देखते हैं, देखो ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है, उनको कैसे घड़ाई करके यहाँ पर लाया गया था, उस समय जिस समय कोई सुविधा भी नहीं थी, कोई मशीनें भी नहीं थी, घोड़ों पे कुछ जानवरों पे ऐसे इंसानों द्वारा लाया गया था। ये देखो ये यहाँ पास लाओ, ये जो पत्थर है यहाँ पर टूटने वाला, ये भी ऊपर वजन भी है, ये देखो दरार आ चुकी है इसमें, ये भी टूट जाएगा। आज जो हमारे ये दिख रही है, थोड़ा पीछे लो कैमरा, ये जो नीचे वाली बिल्डिंग हमारे को दिख रही है, ये होना हो कल तक ये नहीं दिखाई देगी, यहाँ भी दरार आ चुकी है, ये टूट जाएगा, और ये तो टूट ही चुका है, अब इसमें पठार में कुछ नहीं बचा है, बबूल झाड़ियाँ उग गई है, इधर कोई नहीं आता है, और ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो ये इनकी ऐसी अवस्थाएं हो चुकी है। अगर इनकी तरफ ध्यान देते तो आज ये परिस्थिति नहीं होती, इसके ऊपर वाली भी जो बिल्डिंग थी इसके ऊपर वो भी सुरक्षित होती और खूब दिखती। यहाँ पर पास में ही पानी की तलाई है, और ये तीन यहाँ पर पठार थी भाई, अभी ये जर्जर हो चुकी है, खराब दिख रही है, पर कुछ वर्ष पहले बहुत ही खूबसूरत थी, यहाँ झाड़ियाँ पाड़ियाँ कुछ नहीं थी, और ये एक पर्यटन स्थल अच्छा बन सकता था। यहाँ पर भी लोग विदेशी इंडियन हमारे यहाँ पर भी घूमने आते और इस जगह को देखते और इसका भी इतिहास जानते कि उस समय पुराने समय में यहाँ पर बिना कुछ सुविधा के यहाँ कैसे ये बिल्डिंगें खड़ी की गई, और आम जनता के लिए, जानवरों के लिए ये तलाई बनाई, ये जनता यहाँ कर बैठे, कोई पंथी हो कहीं जा रहा हो यहाँ को बैठे विश्राम करे, आराम करे। तो ये इनकी आप देख रहे हो हालत ऐसी हो चुकी है,
आज ये गिर रही है, कल वो गिर जाएगी। ऐसी जैसलमेर में अनगिनत धरोहरें पड़ी है जो अपने आप में इतिहास लिए बैठी है, पर उसको कोई नहीं देख रहा, ना कोई इनकी देखभाल कर रहा है। तो उनको हमारी सरकार है, जैसलमेर है, जैसलमेर का प्रशासन है, उनको ध्यान देना चाहिए, पुरातत्व विभाग को ध्यान देना चाहिए, उनको संवारना चाहिए। जैसे हमारा पास में ही बड़ा बाग है जो राजवंश का शमशान घाट कहा जाता है, उसको सुरक्षित किया है, उसी तरह इसको सुरक्षित किया जाना चाहिए। कुलधरा है, उसको भी सुरक्षित किया गया है, तो वहाँ पर भी लोग आते हैं, इनको भी सुरक्षित करना कर दिया जाना चाहिए। बहुत सारी जैसलमेर में ऐसी अनगिनत इमारतें हैं और उनको सुरक्षित करना चाहिए। ये देखो कितने बड़े पत्थर हैं, क्या सोच के बनाया होगा उस समय राजा महाराजा थे, जो वहाँ के कारीगर थे, उन्होंने क्या सपने इन बिल्डिंगों के प्रति संजोए होंगे। पर आज ये जर्जर अवस्था में यहाँ पर बिल्कुल लवारिस पड़ी है, यहाँ कोई नहीं इसको पूछता। यहाँ पर बेकार लोग, असामाजिक तत्व यहाँ पर आते हैं, गलत काम करते हैं, दारू वारू पीते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं, और अब ये सिर्फ अय्याशी का अड्डे बन चुके हैं और कुछ नहीं है।